So students welcome back in hort 211 production technology for vegetables and spices lecture 27 radish cultivation in this lecture i will cover important points related to radish then uh, soil climate requirement then uh, cultural practices uh, sowing seed rate manure and fertilizer weeding irrigation हार्वेस्टिंग ईल्ड देन इंपॉर्टेंट इनसेक्ट पेस्ट डिजीज एंड फिजोलॉजिकल डिसऑर्डर्स लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक रेडिश को हिंदी में मूली कहते हैं तो अपने इस लेक्चर के अंदर मूली की कल्टिवेशन देख रहे हैं कि मूली की खेती कैसे की जाती है बोटनिकल नेम रेफेनस सेटिबस जो इसका वनस्पति के नाम है रेफेनस सेटिबस होता है फैमिली क्रूसी फेरी जिसको आजकल ब्रेसिकेसी कहते हैं ठीक है ओरिजन यूरोप इसका जो उत्पत्ति स्थल है वो यूरोप है क्रोमोसोम नंबर टू एन एटीन होते हैं मतलब जो इसके गुणसूत्र संख्या है वो अठारह होती है इन्फ्लोरेसेंस टाइप रेसिमोस होता है मतलब जो इसका पुष्प क्रम है आ, वो रेसिमोस होता है फ्रूट टाइप सिलिकुआ होता है जैसा कि सरसों के अंदर पाया जाता है सेम होता है फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के अंदर ही स्पोरोफिटिक सेल्फ इन कंपेबिलिटी इज प्रजेंट इन रेडिश स्पोरोफिटिक सेल्फ इनकम्पेबिलिटी पाई जाती है ठीक है कि इसमें आउटक्रॉसिंग को प्रमोट करने के लिए मतलब कह लो कि परागन पर को प्रमोट करने के लिए या बढ़ावा देने के लिए जो पोलन्स होते हैं सेल्फ पोलन होते हैं मतलब उसी के पोलन होते हैं वो एक तरीके की इनकम्पेटिबल रहते हैं मतलब क्रॉस नहीं कर पाते इसमें स्पोरोफिटिक सेल्फ इन इनकम्पेबिलिटी पाई जाती है मूली के अंदर रेडिश इज रिच इन विटामिन सी और जो मूली होती है उसमें विटामिन सी भी अच्छी मात्रा में पाया जाता है लगभग फिफ्टीन टू 14 मिलीग्राम पर हंड्रेड ग्राम पाया जाता है इसमें पंद्रह से चालीस मिलीग्राम तक एक सौ ग्राम के अंदर इसमें विटामिन सी भी पाया जाता है पूसाचेत की इज सूटेबल फॉर ग्रोविंग इन वार्म मंथ्स जो इसकी पूसाचेत की वरायटी है वो गर्म महीनों के अंदर उगाने के लिए भी सुटेबल है मतलब उगाई जा सकती है पूसाचेत की ठीक है चेत के महीने में जब गर्मी होती है तब उगाई जाती है पूसा हिमानी वैरायटी कैन बी ग्रोन थ्रू आउट द ईयर और एक ऐसी वैरायटी भी है जिसको साल बार उगाया जा सकता है मतलब तो किसी भी टाइम इसकी कल्टीवेशन की जा सकती है पूसा हिमानी वैरायटी की ट्रॉपिकल वैरायटीज कैन प्रोड्यूस सीड इन बोथ ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन जो ट्रॉपिकल किस है क्योंकि रेडिश जो है मूली है इसके अंदर दो टाइप की किस्में होती हैं एक एशियाटिक एशियाटिक जहाँ ट्रॉपिकल जिसको कहते हैं एक यूरोपियन या फिर टेम्परेट जो वरायटियाँ होती हैं दो टाइप की वरायटियाँ होती हैं ठीक है जो ट्रॉपिकल वैरायटीज होती हैं ठीक है ज़्यादातर इंडिया के अंदर जिनकी कल्टिवेशन होती है तो वो ट्रॉपिकल के अंदर भी यानी कि उष्ण क्षेत्र जो रहते हैं वहाँ पे भी और जो शीतोषण कटिबंधीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पे भी अपने सीड प्रोड्यूस करते हैं मतलब दोनों जगहों पे अपने सीड प्रोड्यूस कर सकती हैं बीज पैदा कर लेती हैं द टेम्परेट सॉरी टेम्परेट वराइटीज आर बाइनियल इन नेचर और जो टेम्परेट वराइटियाँ होती हैं किस में होती हैं वो बाइनियल नेचर की होती हैं बहु uh, द्विवर्षीय होती हैं कहने का मतलब ठीक है मतलब सीड टू सीड माने तो द्विवर्षीय होती हैं द पंजेंसी इन रेडिश इज ड्यू टू आइसोथायोसाइनेट्स जो इसमें चरप्राहट कह लो जहां इसमें जो रेडिश की कड़वाहट एक तरीके की ठीक है जो तीखापन होता है वो आइसोथायोसाइनेट के कारण होता है द रेड कलर ऑफ द रेडिश इज ड्यू टू एंथोसाइन पिगमेंट और कई बार क्या होता है कि आपने गाज सॉरी मूली देखी हुई होगी उसमें रेड कलर थोड़ा सा दिखाई देता है कई बार कुछ इसके किस्में है, जो पूरी रेड है तो उसमें जो कलर रहता है वो एंथोसाइन पिगमेंट के कारण रहता है ठीक है है एक वर्णक पाया जाता एंथोसाइनिन जिसके कारण उनका रेड कलर होता है यूज क्या है रेडिश के? इट हैज ए कूलिंग इफेक्ट प्रिवेंट इज मोर न्यूट न्यूट्रिशियस वेन कुकड विद द लीव्स ये कूलिंग इफेक्ट डालता है मतलब ठंडी होती है खाने के अंदर और इसमें कह लो कि जो कब्ज होती है उससे बचाती है इसके अलावा भूख को बढ़ाती है और ज़्यादा न्यूट्रिटिव रहती है अगर इसको पत्तियों के साथ ही पका के खाया जाए ठीक है मतलब इसकी पत्तियों में भी पोषक तत्व पाए जाते हैं इट इज़ रिकमेंडेड फॉर पेशेंट सफरिंग फ्रॉम गाल ब्लेडर प्रॉब्लम्स पाइल्स लीवर ट्रबल्स एंड जॉन्डिस एक्सेट्रा जो इसको ऐसे जो रोगी होते हैं जिनमें पिताशा जो थैली होती है या फिर बाबा सिर की दिक्कत रहती है या फिर जो लीवर के अंदर कोई परेशानी रहती है या फिर पीलिया रोग है उसके जो पेशेंट्स रहते हैं मरीज़ रहते हैं उनके लिए इनको रिकमेंड किया जाता है कि मूली खानी चाहिए उनको द जूस ऑफ फ्रेश लीव्स इज़ यूज एज ए डाई एंड लैगजटिव और जो फ्रेश पत्तियाँ होती हैं इसकी ताज़ी पत्तियाँ होती हैं उनका जो जूस होता है वो मूत्रवर्धक होता है और रेचक होता है इसमें जो हंड्रेड ग्राम पर हंड्रेड ग्राम के हिसाब से कुछ न्यूट्रेंट भी पाए जाते हैं मतलब अलग अलग आ, कंपोनेंट पाए जाते हैं जैसे मॉइस्चर नमी है वो नाइन नाइन फोर सॉरी नाइन्टी फोर पॉइंट फाइव ग्राम पर हंड्रेड ग्राम पाई जाती है प्रोटीन ज़ीरो पॉइंट सेवन ग्राम और इसमें अलग अलग होता है ये ध्यान रखना कि जो रेड कलर की है जो सिंपल हैं उनमें थोड़ा सा अंतर रहता है प्रोटीन के अंदर फैट है जीरो पॉइंट वन ग्राम इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स है थ्री पॉइंट फोर ग्राम एनर्जी इससे लगभग सेवनटीन कैलोरीज मिल जाती है इसके अलावा विटामिन ए है फाइव आई यू पाया जाता है विटामिन सी पंद्रह मिलीग्राम पाया फिर इसमें विटामिन सी पाया जाता है पंद्रह मिलीग्राम इसके अलावा पोटेशियम पाया जाता है वन थ्री एट मिलीग्राम मतलब एक सौ अड़तीस मिलीग्राम पर हंड्रेड ग्राम इसमें पोटेशियम पाया जाता है कैल्शियम भी होता है फिफ्टी मिलीग्राम मिलता है इसके अलावा फॉसफोरस बाईस मिलीग्राम पर हंड्रेड ग्राम इसमें मिल जाता है वैराइटीज़ इसकी किस्मों को दो भागों में डिवाइड किया जाता है मतलब दो टाइप की किस्में होती हैं यूरोपियन और टेम्परेट टाइप जिनको यूरोपियन होती हैं उनको टेम्परेट टाइप भी कह देते हैं ठीक है शीतोषण कटिबंधीय इसके अलावा एशियन या फिर ट्रॉपिकल वरायटीज़ जिनको ट्रॉपिकल भी कह देते हैं टेम्परेट टाइप वराइटीज़ आर स्मॉलर इन साइज़ जो टेम्परेट वराइटीज़ होती हैं ठीक है यानी कि यूरोपियन वरायटीज़ होती हैं वो छोटे साइज़ की होती हैं

की फसल के लिए उगाते हैं ठीक है और जो दूसरी किस्में होती हैं वो साइज में ज्यादा बड़ी होती हैं जो अपने नॉर्मल मार्केट में मिलती हैं वो ज्यादातर आपकी एशियन या फिर ट्रॉपिकल किस्में होती हैं ठीक है फिर एशिएटिक वरायटीज कौन कौन सी हैं पूा चेत की ठीक है पूसा चेत की पहले भी मैंने बता चुका हूँ ये हॉट महीने जो गर्म महीने होते हैं उनमें उगाने के लिए सुटेबल होती है फ्रॉम मार्च एंड टू अगस्त मतलब मार्च से लेकर अगस्त तक उगाने के लिए सुटेबल होती है इसके अलावा पूसा जामुनी किस्म है इसकी ये आई आर आई न्यू दिल्ली से निकली हुई है द फर्स्ट पर्पल वराइटी रिच इन न्यूटेंट्स जो पहली पर्पल कलर की बैंगनी रंग की किस्म है और न्यूटेंट से जहाँ पोषक तत्वों से भरपूर है हाई एंथोसाइनिन होता है इसमें ठीक है एंथोसाइनिन एक पिगमेंट वर्णक है इसके अलावा एस्कॉर्बिक एसिड भी इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है इसके अलावा पूसा गुलाबी है फर्स्ट फुल फ्लैश सॉरी फुल पिंक फ्लैश वराइटीज विद मीडियम रूट साइज ये पूरे तरीके से मतलब अंदर तक रेड कलर की सॉरी पिंक गुलाबी रंग की है मतलब इसका ऐसे नहीं कि छिल्का छिल्का ही गुलाबी रंग का है अंदर से वाइट निकलेगी ये पूरी फ्लश्ड मतलब पूरे तरीके से आ, पिंक कलर की किस्म है और इसकी जो जड़ें रहती हैं जहाँ कह लो कि ये जो इसका साइज़ रहता है मूली का वो मीडियम साइज रहता है मोर टोटल कैरोटिनोइड्स इसमें ज़्यादा मात्रा में कैरेटिनोइड्स पाया जाता है ठीक है ये भी एक वर्णक होता है कलर के लिए इसके अलावा विटामिन ए का भी एक प्रकर्ष है इसके अलावा एंथोसाइनिन पिगमेंट भी होता है और इसमें एक बेसिक कह लो कि एक एवरेज सा इसमें एस्कॉर्बिक एसिड भी पाया जाता है विटामिन सी ठीक है इसके अलावा पूसा देशी है पूसा रेशमी है रूट्स आर स्लाइटली पंजेंट लॉन्ग एंड वाइट विथ ग्रीन शोल्डर्स जो ये रेशमी है ये मध्यम से टाइप की पंजेंट ठीक है चरप कड़वी इसके अलावा लंबी होती है पूरी सफेद होती है इसके जो शोल्डर रहते हैं यानी कि जहाँ पत्ते लगे हुए रहते हैं जिस जगह पे ठीक है जो जमीन के थोड़ी सी हो सकता है बाहर भी रहती हो तो उस जगह से ये ग्रीन कलर की होती है शोल्डर उसके कहते हैं ठीक है इसके अलावा पूसा मृदुला ये ब्राइट रेड स्किन होती है इसकी मतलब ऊपर से ये रेड होती है राइपन्स इन ट्वेंटी फाइव डेज और जो पच्चीस दिन के अंदर ही तैयार हो जाती है पक जाती है इसके अलावा जापानीज वाइट ये भी एशियटिक वैराइटीज़ है ठीक है इसके अलावा कुछ किस्में मैंने इसके अंदर ऐड नहीं किया जो मेरी वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा इसके बारे में कितना इनका साइज़ रहता है क्या है वो मैंने कुछ चीज़ें हटा दी हैं ठीक है जो नॉर्मल सी है हर चीज़ हर किस्म के अंदर आपको देखने को मिलेगी वो आप मेरी वेबसाइट से पढ़ सकते हो जो लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा फिर है एशियटिक वराइटीज़ के अंदर ही आई 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 एच आर बेंगलोर से जो बेंगलुरु से जो किस्में डेवलप रहे हैं उनकी अर्का निशांत है रेजिस्टेंट टू प्री मैच्योर बोल्टिंग बोल्टिंग समझते हो जो फूल जो रहता है स्टाक रहता है इसका उसका निकल जाना मतलब अभी पकी नहीं मूली और उससे पहले ही स्टाक का निकल जाना उससे रेजिस्टेंट होती है मतलब उसमें नहीं बनता जल्दी नहीं निकलता इसके अलावा पिथीनेस जो इसके अंदर एक डिसऑर्डर है ठीक है वो भी नहीं होता रूट ब्रांचिंग जो फोर्किंग कह देते हैं जिसको उससे भी ये रेजिस्टेंट है एंड फोर्किंग सेम ही चीज़ है ठीक है ब्रांचिंग और फोर्किंग सेम चीज़ है फोर्किंग भी वही होती है सेकेंडरी ब्रांच बननी स्टार्ट हो जाती है मतलब मुसला जो जड़ रहती है वो एक कह लो कि छोटी छोटी जड़ें बन जाती हैं जो मैं फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर में आपको बता ही दूंगा फिर आई आई एच आर वन एक इसकी किस्म है फ्री फ्रॉम वोल्टिंग पिथीनेस स्प्लिटिंग स्प्लिटिंग होता है फट जाना तो उससे भी ये रेजिस्टेंट है पिथिनस मैंने बताऊंगा आगे उसमें आ, क्या होता है वैसे एक्चुअल में जैसी स्पंज जैसी हो जाती है जैसे राइप होने के बाद मूली पक जाती है उसको पिथिनेस कहते हैं ठीक है इसके अलावा फोर्किंग से भी ये फ्री है मतलब इसमें नहीं आती और माइल्डली प्रजेंट होती है मतलब मध्यम से टाइप की कड़बी होती है फिर इसके अलावा आई आई वी आर वाराणसी से जो किस्में डेवलप है ठीक है काशी श्वेता और काशी हंस दो हैं काशी श्वेता जो है ये अर्ली हार्वेस्टिंग के लिए सूटेबल है मतलब जल्दी ये पक जाती है और मैच्योर इन थर्टी टू थर्टी फाइव डेज आफ्टर सोइंग और तीस से पैंतीस दिन के अंदर ही ये पककर तैयार हो जाती है इसके अलावा काशी हंस है मॉडरेटली रेजिस्टेंट टू अल्टरनेरिया ब्लाइट जो कि अल्टरनेरिया ब्लाइट है जो उससे मध्यम सहषणु है ठीक है इसके अलावा सी सी एस एच ए यू हिसार चौधरी चरण सिंह जो यूनिवर्सिटी है हिसार वहाँ से जो निकली हुई है हिसार सिलेक्शन वन इट्स रूट एंड शूट रेशियो मतलब इसका जड़ और पत्तियों का जो अनुपात रहता है शूट तने का जो ऊपर वाला अनुपात रहता है वन पॉइंट सेवन जीरो अनुपात वन होता है इज हायर देन द चेक वैरायटी जो दूसरी किस्में उनकी तुलना में इसका जो रूट ज़्यादा बड़ी होती है शूट की तुलना में मतलब पत्ते कम होते हैं और जड़ ज़्यादा लंबी होती है जितनी भी दूसरी किस्म उनकी तुलना में ठीक है दूसरी किस्मों में ज़्यादातर जितनी भी किस्में हैं इसकी अधिकतर किस्मों में वन अनुपात वन होता है और इसका वन अनुपात वन होता है मतलब इसकी जड़ लंबी होती है और पत्ते छोटे होते हैं इसके अलावा पी ए लुधियाना से जो निकली हुई किस्में हैं पंजाब सफ़ेद फ्री फ्रॉम फॉर्किंग डिसऑर्डर इसके अलावा पंजाब अगेती इसके अलावा पंजाब पसंद ये भी किस्में जो है पी लुधियाना से निकली हुई हैं इसके अलावा जो एशियटिक वैरायटी में त, टी एन ए यू तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोयमटूर से निकली हुई हैं को वन सिलेक्शन फ्रॉम आर एस फोर फोर से ये सिलेक्शन है उससे निकली हुई है इसके अलावा कुछ और भी किस्में हैं इसकी जो एशियटिक वैरायटी हैं इसकी ठीक है ट्रॉपिकल किस्में कल्याणी वाइट है ट्वेंटी फाइव टू थर्टी सेंटीमीटर लॉन्ग मतलब पच्चीस से तीस सेंटीमीटर लंबी है यूनिफॉर्म इन साइज मतलब एक जैसी या लंबाई के अंदर मतलब ऐसे नहीं कि कॉनिकल हो जाए विद ब्लंट एंड मतलब उसका जो अंत होता है कुछ ऐसे कि कॉनिकल नहीं होता बिल्कुल तीखा नहीं होता बल सीधा ही खत्म हो जाता है मतलब एक जैसी मोटाई और लास्ट में ऐसे नहीं कि शंकु के आकार की तीखी होगी आगे से बस सीधी ही खत्म हो जाती है ठीक है और माइल्ड पेंजेंट होती है मध्यम से टाइप की ये चरकी होती है इसके बाद नडाउनी है इसकी किस्म लाइट पिंक कलर टॉप डार्क ग्रीन विद कट लीव्स इसका जो कलर रहता है उसका ऊपर से लाइट पिंक कलर का टॉप रहता है ठीक है जहां से पत्ते स्टार्ट होते हैं वहां पे ये लाइट पिंक कलर का से लेके डार्क ग्रीन कलर का होता है और इसके जो पत्ते होते हैं सॉरी पत्ते इसके गहरे हरे और कट वाले होते हैं जैसे मूली के पत्ते बिल्कुल जैसे सरसों के होते हैं सेम होते हैं पर इसमें थोड़े कट वाले रहते हैं इस किस्म के नडाउनी के इसके अलावा पालन हृदय है पिंक कलर की किस्म है ठीक है ग्रीन शोल्डर के साथ और रिच इन विटामिन सी और विटामिन सी से भरपूर है इसके अलावा नेभारी भी इसकी एक किस्म है ठीक है जो एशिएटिक वैरायटी है इसके अलावा यूरोपियन वरायटीज़ जो हैं पूसा हिमानी डेवलप फ्रॉम आई आई सॉरी आई ए आर आई न्यू डेली आई आर आई न्यू डेली से ये डेवलप्ड है वहाँ से विकसित है सुटेबल फॉर सॉविंग डूरिंग मिड दिसंबर टू द एंड ऑफ फरवरी इन प्लेन्स और ड्यूरिंग समर इन हिल्स ठीक है जो इसका टाइम है दिसंबर मध्य दिसंबर से लेके फरवरी के अंत तक तो ये मैदानी क्षेत्रों में उगाई जाती है और सर गर्मियों के अंदर इसे पहाड़ी क्षेत्रों में उगाते हैं गर्मियों में ठीक है इसके अलावा वाइट इसे सॉरी आइसिकल फॉर रूट्स आर द रूट्स आर प्योर वाइट इसकी जो जड़ें होती हैं पूरी तरह से वाइट होती हैं थिन होती हैं और आइसिकल शेप की होती हैं मतलब एक कह लो कि आपने uh, फिल्मों में देखा होगा कि बर्फ जो रहती है गुफा के अंदर जो बर्फ पिघलती है तो एक शंकु के आकार की ऐसी तीखी तीखी सी नीचे कांटे से बन जाते हैं ऊपर से तो कुछ वैसी शेप की होती हैं हिमपात कह देते हैं ठीक है वैसी शेप की होती है इसके अलावा स्कर्ट ग्लो रूट्स ब्राइट रेड होती हैं जो जड़ें होती हैं इसकी ठीक है मूली होती है वो ब्राइट रेड कलर की कह लो कि तेज लाल रंग की होती हैं थोड़ी राउंड होती है शेप इसकी लंबी नहीं होती इसके अलावा स्मॉल होती है छोटी सी होती है और इसका जो फ्लैश रहता है अंदर से वो वाइट होती है मतलब ऊपर से तो ये रेड कलर की है बहुत ही लाल लाल रंग कि वाइट जैसे आपका शलजम हो ठीक है टर्निप हो और राउंड होती है और ऊपर से रेड होती है और अंदर से ये वाइट होती है इसके अलावा सकरलेट लॉन्ग द रूट्स आर लॉन्ग इसके अलावा टेम्परिंग विद रेड स्किन एंड वाइट फ्लैश और इसकी जो टेम्परिंग होती है मतलब आगे से ये ज़्यादा ब्लंट होती है या कह लो कि सॉरी ब्लंड नहीं। ये भी शंकु के आकार की होती हैं ठीक है रेड स्किन के साथ लाल स्किन होती है और फ्लश इसका भी वाइट होता है अंदर से इसके अलावा रैपिड रेड वाइट टिप्ड एंड अर्ली वैरायटी ये एक अगेती किस्म है प्रोड्यूस स्मॉलर लीव्स पत्तियां छोटी होती हैं द रूट्स आर स्मॉल जड़ें भी छोटी होती हैं रेड इन कलर Osionfish. लाल रंग की होती है और वाइट फ्लैश होती है अंदर से वाइट होती है मतलब ऊपर जो छिलका रहेगा जड़ के ऊपर वो लाल रंग का है और अंदर से जो खाने वाला भाग रहता है वो वाइट कलर का रहता है इसके अलावा चाइनीज पिंक है स्किन ब्राइट रेड स्मूथ एंड फ्लैश वाइट इसकी भी जो स्किन रहती है वो ब्राइट रेड होती है और ऊपर से चिकनी होती है और इसका जो फ्लश रहता है अंदर से वो वाइट कलर का होता है सफेद रंग का होता है हाइब्रिड वराइटीज़ भी हैं रेडिश की कुछ जैसे पूसा हिमानी है रेडिश ब्लैक इंटू जापानीज़ वाइट का क्रॉस है पुसा सफ़ेद वाइट फाइव इंटू जापानीज वाइट का क्रॉस है इसके अलावा पुसा रेशमी भी एक हाइब्रिड किस्म है ग्रीन टाइप इंटू देसी टाइप का ये क्रॉस है ठीक है फिर इसके बाद है क्लाइमेट क्लाइमेट रेडिश इज़ हीट टोलरेंट रेडिश जो है मूली है वो गर्मी कह लो जहाँ जो गर्म होती है चीज़ उस गर्मी को सहन कर लेती है टोलरेंट होती है उसको सहनशील है मतलब ठीक है अगर गर्मी में भी करते हैं तो ये सहन कर लेती है द आइडियल टेम्परेचर फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ क्वालिटी रूट्स इन रेडिस टेन टू फिफ्टीन पॉइंट फाइव डिग्री सेल्सियस इसके लिए जो आइडियल टेम्परेचर है मतलब इसकी वृद्धि के लिए और जड़ों की अच्छी गुणवत्ता वाली जड़ों की विकास के लिए वो दस से लेके पंद्रह पॉइंट पाँच डिग्री सेल्सियस है मतलब अच्छा टेम्परेचर इसके लिए यही है पर हाँ ये गर्मी को सहन कर लेती है द क्रॉप इज ग्रोन इन वार्म क्लाइमेट्स विद शॉर्ट रूट क्लाइमेट प्रोड्यूसिंग टफ एंड एक्सट्रीमली पंजेंट अगर इसे गर्म मौसम के अंदर जहाँ गर्म जलवायु के अंदर उगाया जाता है तो जड़ें जो छोटी किस्म वाली जड़ें रहती हैं ठीक है छोटी ये कह लो कि जड़ें छोटी रह जाती हैं ठीक है, है? शॉर्ट रूट वराइटीज जो होती हैं वो छोटी जड़ें पैदा करती हैं और हार्ड कठोर कह लो टफ कठोर कह लो ऐसे मतलब ऐसे नहीं होती कि बहुत ही कह लो कि एक तरीके से सख्त होती हैं जड़ें इसकी और बहुत ही ज्यादा कड़वी होती हैं जो गर्म क्लाइमेट के अंदर किस में पैदा होती हैं बोल्टिंग इंटेंसिफाइड्स वेन द डे लेंथ इंक्रीज इसमें जो बोल्टिंग है ठीक है जैसे जैसे दिन की लंबाई बढ़ती जाती है वो बोल्टिंग को प्रमोट करती है बोल्टिंग इसमें बढ़ती जाती है दिन की लेंथ के साथ में ठीक है जैसे जैसे दिन की लेंथ बढ़ती है वैसे वैसे, वैसे बोल्टिंग बढ़ती जाती है मतलब इसमें जो पुष्प स्टॉक होता है फ्लोवर स्टॉक रहता है सॉरी फ्लोवर स्टॉक रहता है ठीक है वो निकलना स्टार्ट हो जाता है उसे बोल्टिंग कहते हैं फिर लॉन्ग डेज एज वेल एज हाई टेम्परेचर कॉज द प्लांट टू मैच्योर प्री मैच्योरली विदाउट सफिशेंट रूट टू फॉर्म ए स्टॉक लॉन्ग डेज होते हैं इसके अलावा जो ज्यादा तापमान रहता है मतलब दोनों चीजें हैं लॉन्ग डे भी और ज़्यादा तापमान भी वो पौधे को आ, जो रहता है उसे प्रॉपर जड़ें बनाए बिना ही मैच्योर कर देता है पौधे को मतलब जड़ें बिना बने ही पौधे में बोल्टिंग स्टार्ट हो जाती है स्टॉक बनना स्टार्ट हो जाता है जैसे मैंने पहले भी कहा कि जो बोल्टिंग है इंटेंसिफाइड वैन द डे दे लेंथ इनक्रीज जैसे ही दिन की अवधि बढ़ती है वैसे वैसे ही बोल्टिंग भी बढ़ती है और लॉन्ग डे के साथ साथ ही ठीक है डे लेंथ के साथ साथ ही जो ज्यादा तापमान होता है वो भी बोल्टिंग को प्रमोट करता है मतलब पुष्प स्टॉक को कि पौधा मैच्योर हो गया और उसमें से स्टॉक निकलना स्टार्ट हो गया फिर अ सोयल इट कैन बी ग्रोन इन ऑल टाइप्स ऑफ सोयल बट लाइट सैंडी और लोमी सॉयल इज बेस्ट फॉर रेडिश कल्टीवेशन इसे हर प्रकार की मिट्टी में कल्टीवेट किया जा सकता है जहाँ उगाया जा सकता है पर जो इसके लिए हल्की आ, बलुई मिट्टी या फिर दोमट मिट्टी है

जो हैवी सॉयल होती है ठीक है मतलब भारी मिट्टी रहती है अपने हल्की मिट्टी में गाजर क्योंकि ये सॉरी मूली है इसको प्रोड्यूस करते हैं क्योंकि हल्की मिट्टी जड़ों को ग्रोथ के लिए अच्छी रहती है हल्की मिट्टी में जड़ें अच्छी ग्रोथ करती हैं अगर मिट्टी आ, हार्ड होगी या भारी होगी उसमें क्या होगा कि जड़ें अच्छी ग्रोथ नहीं कर पाएंगी ठीक है इससे क्या होता है कि जड़ों के ऊपर की, की सरफेस भी रफ हो जाती है और ऐसे लगेंगी जड़ें जो पैदा हुई हैं वो बीमार सी मतलब बनेंगी मूलियाँ अच्छी मूली नहीं बनेगी ठीक है और इसके अलावा जो लैटल फिलवर्ड्स हैं जो उसके रेशे रहते हैं वो भी आपको छोटे में मिलेंगे और जो इसकी मार्केट वैल्यू को कम कर देते हैं फिर टाइम ऑफ सोइंग सितंबर जनवरी इन द प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया जो उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्र हैं वहां पे सितंबर से लेकर जनवरी तक इसकी सोइंग की जाती है यूरोपियन वरायटीज सितंबर टू मार्च और जो यूरोपियन किस्में हैं वो सितंबर से लेकर मार्च तक उगाई जाती हैं इन द हिल्स मार्च टू अक्टूबर ठीक है और पहाड़ी क्षेत्रों में जब मौसम समर होता है मतलब कहने का मतलब अपने जहां समर होता है और पहाड़ी क्षेत्रों में अच्छा मौसम होता है मार्च से लेके अक्टूबर तक उनकी कल्टीवेशन की जाती है मूली की देन सीड रेट एशियन वराइटीज टेन के जी पर हेक्टर एशियन किस्मों के लिए ट्रॉपिकल किस्मों के लिए जो सीड रेट है बीज दर है वो दस किलो प्रति हेक्टर है और यूरोपियन वरायटीज के लिए 12 टू 14 के पर हेक्टर 12 से 14 किलो पर हेक्टर सीड रेट की आवश्यकता होती है फिर सोइंग मेथड रेडिश इज सोन ऑन जो रेडिश है मूली है इसको हमेशा मेडों के ऊपर उगाया जाता है रिज बनाई जाती हैं जैसे पिक्चर में दिखाई दे रही हैं उनके ऊपर इसको बोया जाता है द डिस्टेंस वेर इज विद जो डिस्टेंस रहता है एक किस्म से सॉरी एक पौधे से दूसरे पौधे का वो किस्म के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसी किस्म किस किस्म को उगा रहे हो द टेम्परेट वराइटीज गेट रेडी इन ट्वेंटी फाइव टू फिफ्टी डेज जो टेम्परेट किस्में होती हैं वो छोटे साइज की होती हैं कहने का मतलब है ठीक है वो पच्चीस से पचास दिन के अंदर ही तैयार हो जाती हैं टेम्परेट किस्में शीतोशन जो कह लो कि यूरोपियन किस्में हैं वो 25 से 50 दिन के अंदर तैयार हो जाती हैं सो दे आर सोन वेरी क्लोजली वाइल्ड ट्रॉपिकल वराइटीज टेकन लॉन्गर एंड आस स्पेस्ड मोर बिकॉज ऑफ़ देयर लार्ज साइज जो टेम्परेट वराइटियाँ पच्चीस से पचास दिन में तैयार हो जाती हैं छोटे साइज़ की होती हैं उनको तो क्लोज स्पेस पे मतलब कम दूरी पे उगाया जाता है जबकि जो ट्रॉपिकल किस्में हैं जहाँ एशियन वरायटी हैं उनको ज़्यादा टाइम चाहिए होता है मतलब पचास दिन से ज़्यादा उनकी uh, रहता है टाइम रहता है तो उनको ज़्यादा स्पेस के ऊपर ज़्यादा दूरी के ऊपर उगाया जाता है क्योंकि उनका साइज़ भी ज़्यादा लंबा जहाँ बड़ा रेडिश इज सोन इन ऑन फोर ऑफ़ फोर्टी फाइव सेंटीमीटर एंड एट ए हाइट ऑफ ट्वेंटी टू सेंटीमीटर अबाउट टू फाइव सेंटीमीटर सॉरी एट द टॉप ऑफ दीप एंड दीड्स आर सोन बाई हैंड इन फोरोज मिक्स विद फाइन सैंड और कोर कवर्ड जो रेडिश है ठीक है अब मैं वैसे तो बता रहा हूँ कि रिजेज के ऊपर बोया जाता है तो फ्रो रहते हैं फ्रो मतलब रिज और फ्रो बनती हैं जो कुंड बनते हैं नालियां बनती हैं उनके ऊपर बोया जाता है जो एक नाली से जहाँ कह लो कि जो दो रिज के बीच की दूरी रहती है ठीक है दो म, नालियों के जहाँ दो सॉरी नाली क्या कहते हैं कि अपने जो मेड रहती हैं उनके बीच की दूरी रहती है वो तो पैंतालीस सेंटीमीटर रहती है ठीक है जैसे अपने पिक्चर में दिखाई दे रहा है उसके बाद जो ऊंचाई रहती है उस कुंड की ऊंचाई हाईएस्ट जो टॉप जहाँ कह लो कि जो रिज ऊंची रहती है वो 22 सेंटीमीटर के उसके ऊपर क्या करते हैं कि एक जो स्टिक रहती है एक लकड़ी का टुकड़ा ले लिया जाता है लकड़ी ले ली जाती है उससे एक नाली बना लेते हैं उसके ऊपर एक लाइन खींच लेते हैं ठीक है जो कि 1.25 सेंटीमीटर गहरी होती है 1.25 सेंटीमीटर गहरी उसमें एक नाली या एक छोटी सी जैसे बीज बोने हैं ठीक है एक मेड बना ली मेड के ऊपर अपने को बीज बोने हैं बीज छोटे आकार के होते हैं पहले उनको जा तो जो बालू होती है उसके अंदर या फिर जो मोटी मिट्टी रहती है उसके अंदर उसको मिक्स कर लिया था बीजों को फिर बाद में हाथ से उन बीजों को जो आपने लाइन लगाई है लग, ठीक है एक छड़ी से आपने एक उसमें एक लकीर खींची है उस लकीर के अंदर बीजों को डाल दिया जाता है उसके बाद उन बीजों को कवर कर देते हैं ठीक है देन है मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स फर्टिलाइजर डोज ऑफ 25 टू थर्टी टन ऑफ वेल डीकम्पोज काओडंग मैन्योर्स एंड फिफ्टी के जी नाइट्रोजन हंड्रेड के जी पी टू ओ फाइव फॉसफोरस एंड फिफ्टी के जी ऑफ के टू ओ इज रिकमेंडेड फॉर द क्रॉप जो फर्टिलाइजर की डोज है जो रिकमेंडेड डोज है अनुशंसित मात्रा है वो पच्चीस से तीस टन गोबर की खाद अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद ठीक है पचास किलो नाइट्रोजन सौ किलो फॉस्फोरस और पचास किलो पोटास रिकमेंडेड डोज है इनको डाला कैसे जाता है द डोज ऑफ एफ वाई एम फॉस्फोरस एंड हाफ डोज ऑफ एन नाइट्रोजन शुड बी गिवन एज एट द रिमेनिंग डोज ऑफ एन इज ऑफ फर्स्ट जो फुल मात्रा होती है गोबर की खाद की फॉस्फोरस की पोटाश की और साथ में आधी मात्रा नाइट्रोजन की उसे खेत की जो अंतिम जुताई कर रहे होते हैं जब जब मेड बना रहे होते हैं उस टाइम मिलाया जाता है मिट्टी में ठीक है फिर जो रिमेनिंग नाइट्रोजन की मात्रा बच, बच जाती है उसे जब पहले गुडाई करते हैं लगभग थर्टी डेज बाद तो उस टाइम उसमें खेत के अंदर दी जाती है नाइट्रोजन फिर इरीगेशन सिंचाई गिव लाइट इरीगेशन इमिडिएटली आफ्टर सोइंग आपने बीज बो दिए उसके बाद उसको हल्की सिंचाई दी जाती है इरीगेट द क्रॉप इन सिक्स टू सेवन डेज डिपेंडिंग अपॉन जैसे कि अपने को पता है मूली जो है सर्दी के अंदर प्लेन्स के अंदर उगाई जाती है तो छह से सात दिनों के अंतराल पर इसे सिंचाई की जाती है और जैसे जो वेदर कंडीशन अगर गर्म रहती है समर के अंदर कर रहे हैं तो इसको कम किया जाता है मतलब कम दिनों के अंतराल पर इसको सिंचाई की आवश्यकता होती है ठीक है फिर इंटरकल्चरल ऑपरेशन इंटरकल्चरल ऑपरेशन इंटर फील्ड अर्थिंग अप द फील्ड शुड बी डन एट द राइट टाइम वीडिंग है जैसे कोई खरपतवार उगा है, उसको निकालना उसके अलावा गुडाई करना इसके अलावा गुडाई करके जो मिट्टी है उसको जड़ों के साथ में लगाना क्योंकि जड़ें जो मूली की रहती हैं वो बाहर निकले आती हैं ठीक है अगर बाहर रहती हैं तो ग्रीन कलर की हो जाती है जहाँ कह लो कि एक तरीके से उतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं करती उनके साथ मिट्टी चढ़ाई जाती है इसके अलावा कई बार क्या होता है कि मॉइस्चर की लॉस हो जाता है जिसके कारण जहाँ फिर स्प्लिटिंग स्टार्ट हो जाती है फटनी स्टार्ट हो जाती है मूलियाँ तो इसलिए उनको मिट्टी से कवर किया जाता है ठीक है इसके अलावा प्री इमरजेंसी एप्लीकेशन ऑफ फ्लू क्लोरिन क्लोरिन इसके अलावा जीरो पॉइंट फाइव किलो पर हेक्टर और ऑक्सा ऑक्सा डी जॉन वन किलो पर हेक्टर कैन इफेक्टिवली कंट्रोल वीड्स इन रेडिश फील्ड इसके अलावा प्री इमरजेंस जो आप आ, कुछ आ, जो हर्बिसाइड्स हैं वीडिसाइड्स साइड्स हैं जैसे फ्लुक्लोरीन है जीरो पॉइंट फाइव किलो पर हेक्टर के हिसाब से या फिर ऑक्साडिजोन जो है एक किलो पर हेक्टर के हिसाब से आपको डालते हो तो रेडिश के अंदर जो मूली के अंदर जो वीड की प्रॉब्लम है खरपतवार की प्रॉब्लम है वो अच्छे तरीके से कंट्रोल हो जाती है फिर हार्वेस्टिंग और डिगिंग डग वेन द रूट्स आर टेंडर जड़ों को खोदा जाता है जब वो आ, कोमल होती हैं डिले ऑफ ए फ्यू डेज ऑफ इन हार्वेस्टिंग, स्पेशली ऑफ टेम्परेट टाइप रूट्स में रेंडर द पिथी एंड द रूट्स क्वाइट एंड फिट फॉर द मार्केट जो जड़ें होती हैं उनको पहले तो टेंडर होती हैं तभी उनको हार्वेस्ट कर ले कर लेते हैं अगर कुछ टेम्परेट टाइप की जो किस्में हैं जो 25 से 50 दिन के अंदर ही पक जाती हैं उनके हार्वेस्टिंग के अंदर डिले हो जाए अगर उनको हार्वेस्ट टाइम पे नहीं किया जाता तो वो पिथी हो जाती है पिथी आगे मैं डिसऑर्डर के अंदर बताऊंगा पिथी से मतलब होता है एक तरीके से जैसे पक जाती है ना मूली आपने कई बार तोड़ के देखा होगा ऑफ सीजन चल रहा है मतलब खत्म होने वाला है सीजन और उस टाइम मूलियाँ जो आ रही होती हैं मोटी मोटी आ रही होती हैं और अंदर से अपने देखते हैं कि जो कच्ची है जब पक्की अंदर से देखते हैं कि एक स्पंज जैसा बन जाता है तो उसको पिथी कहते हैं तो अगर अपने लेट उसकी हार्वेस्टिंग करते हैं तो वो पिथी हो जाती हैं जो कि मार्केट के लिए अनफिट रहती हैं मतलब मार्केट उसको पसंद नहीं करता यूरोपियन स्पीसीज मस्ट बी अप्रूटेड ट्वेंटी डेज आफ्टर प्लांटिंग बिफोर दे बिकम स्पंजी एंड होलो अदर वेराइटीज आर हार्वेस्टेड वैन दे रूट्स आर स्टिल टेंडर एंड फुल साइज यूरोपियन स्पीसीज जो हैं जितनी भी किस्में हैं उनकी उनको बीस दिन बाद लगभग बीस दिन बाद उनको हार्वेस्ट कर लेते हैं जब वो आ, जब तक कि वो स्पंजी ना हुई हो या फिर आ, होलो ना हुई हो ठीक है स्पंजी मतलब पिथी ना हुई हो और उससे अंदर से खोखली ना हुई हो ये आगे अपने के डिसऑर्डर अंदर देखेंगे अदर आर आर हार्वेस्टेड देयर रूट्स स्टिल टेंडर एंड फुल साइज और जो दूसरी किस्में हैं जैसे जो एशियन किस्में हैं ट्रॉपिकल किस्में हैं उनको तब हार्वेस्ट किया जाता है जब वो कोमल होती है उस टाइम कोमल होती हैं और उनका पूरा साइज ले लेती हैं ठीक है ईल्ड द यूरोपियन वरायटीज की वह ईल्ड ऑफ एट थाउजेंड टू ट्वेल्व थाउजेंड के जी पर हैक्टर और फाइव टू टेन टन पर हेक्टर यूरोपियन किस्में हैं जो उनकी उपज रहती है वो आठ हज़ार से बारह हज़ार किलो पर हेक्टर या फिर कह लो पाँच से दस क्विंटल पर हेक्टर तक टन पर हेक्टर तक इसकी उपज रहती है यूरोपियन किस्मों की क्योंकि ये साइज़ में छोटी होती हैं ठीक है, है? इसलिए इनकी उपज कम होती है दूसरी एशियन वरायटीज़ ट्रॉपिकल किस्में होती हैं इनकी उपज ट्वेंटी थाउजेंड टू थर्टी थाउजेंड पर केजी पर हेक्टर या फिर ट्वेंटी टू थर्टी टन पर हेक्टर मतलब बीस हजार से तेतीस हजार किलो ठीक है पर हेक्टर ऐसे भी लिख सकते हो या यह भी लिख सकते हो कि बीस से तीस टन पर हेक्टर इसकी उपज रहती है एशियन किस्मों की, की फिर है डिजीज मैनेजमेंट डिजीज बीमारियों का प्रबंधन कैसे होता है इसमें जो बीमारियां हैं पहली है मोजेक वन इट इज स्प्रेड बाय एपिड जो मोजेक वन है ये एफिड के द्वारा स्प्रेड होती है फैलती है ठीक है यंग लीव्स डेवलप मोल्टिंग एंड इंटरबाइनल क्लोरोटिक एरियाज विच ग्रेजुअली इंक्रीज इन साइज एंड इवेंचुअली क्लास टू फॉर्म रेगुलर क्लोरोटिक पेचेज जो जंग पत्तियाँ होती हैं नई पत्तियाँ होती हैं उनमें मोल्डिंग स्टार्ट हो जाती है ठीक है मुड़ने लग जाती हैं इंटरवाइनल क्लोरोटिक हो जाता है जो उसके अंदर के नसों के अंदर का क्षेत्र रहता है वो आ, क्लोरोफिल उसमें से उड़ जाता है ठीक है उसमें से पीलापन आ जाता है और जो साइज में धीरे धीरे बढ़ता है और बाद में इकट्ठा होकर एक अनियमित धब्बों के रूप में बन जाता है मतलब पत्तियां चित्तवरी सी हो जाती हैं पीलापन और हरी सी आ, दोनों रंगों की चितकवरी सी हो जाती हैं कंट्रोल क्या है इसका Apply carbofuran at the rate 1.5 kilo per किलो पर the टू द सोयल time of टाइम ऑफ सोइंग सोइंग के समय में आपको जमीन के अंदर कार्बोफिरोन मिलाना है डेढ़ किलो पर हेक्टर के हिसाब से इसके अलावा टू टू थ्री स्प्रेइंग ऑफ फासफोमी डॉन जीरो पॉइंट जीरो फाइव परसेंट और एफिड के कंट्रोल के लिए आपको दो से तीन बार छिड़काव करना है दस दिनों के अंतराल पर जीरो पॉइंट जीरो फाइव परसेंट का का ठीक है फिर है वाइट रस्ट एल्बुगो कैंडिडा वाइट रस्ट ये सरसों के अंदर भी आपको देखने को मिल जाती है वैसे सिम्टम्स में फर्स्ट अपीयर है स्मॉल पेल ग्रीन स्पोर्ट्स विच लेटर टर्न व्हाइट एंड इवेंचुअली डेवलप्स इनटू राइज्ड व्हाइट वाइट परस्यूल्स लाइक ब्लिस्टर्स यूजुअली ऑन द लोअर सर लीव सरफेस जो पहले सिम्टम्स हैं इसके वो दिखाई देते हैं छोटे रंग के पीले रंग के धब्बे दिखाई देते हैं पत्तियों के ऊपर जो कि बाद में वाइट कलर के अंदर चेंज हो जाते हैं मतलब सफ़ेद रंग के हो जाते हैं और बाद में एक फफोले के रूप में नीचे की तरफ पत्तियों के दिखाई देते हैं नीचे की तरफ पत्तियों के ठीक है फफोले के रूप में वाइट कलर के फफोले के रूप में नीचे दिखाई देते हैं सिस्टमेटिक इन्फेक्शन कैन अकर कॉज द टॉप ऑफ द यंग शूट्स टू बिकम डिस्ट्रॉयड एंड अपीयर एबनॉर्मल शेप जो बीज वाली फसलें रहती हैं उनके अंदर क्या होता है कि जो इनका आ, टॉप रहता है मतलब शाखा का शीर्ष रहता है वो आ, डिस्ट्रॉय हो जाता है वो खत्म हो जाता है जहाँ कह लो कि वो एक फंगस से ग्रोथ से वाइट कलर के पर्स्यूल से आ, उसके ऊपर ग्रोथ करने स्टार्ट कर देते हैं और उसकी जो शेप रहती है ऐसे घूम से जाती है गुंडी सी बन जाती है ठीक है उसके ऊपर व्हाइट व्हाइट कलर का फंगस ग्रोथ कर जाती है जैसे सरसों के अंदर आपने देखी होगी व्हाइट रस्ट कंट्रोल क्या है पहला तो अवॉइड स्प्रिंकलर इरिगेशन अगर आप स्प्रिंकलर इरिगेशन सिंचाई कर रहे हो उसको अवॉइड करो इससे क्या होता है कि ह्यूमिडिटी या कह लो कि पानी की आदरता ज़्यादा बन जाती है और इन्फेक्शन ज़्यादा फैलता है फिर है फॉलो ए थ्री ईयर रोटेशन बिटवीन स्पीसीफिक ससेप्टिबल क्रॉप्स इसमें जो ससेप्टिबल फसलें हैं जैसे सरसों हैं तारा मीरा जहाँ इससे रिलेटेड फसलें हैं ब्रेसी की उनके बीच में ठीक है यानी कि एक ही फील्ड में तीसरे साल सेम फसल आनी चाहिए जहाँ कह लो कि सरसों या फिर ऐसी कोई भी फसल नहीं आनी चाहिए दूसरी फसलें आनी चाहिए फिर जाके वापिस से सरसों बो सकते हो या फिर आप वहाँ पे मूली बो सकते हो इसके अलावा ग्रो रेजिस्टेंट वैराइटीज़ जो रेजिस्टेंट किस्में हैं उनको ग्रो करना है इसके अलावा स्प्रे मैंगोजेब टू ग्राम पर लीटर और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड टू ग्राम पर लीटर आपको मैंगोजेप दो ग्राम पर लीटर के हिसाब से या फिर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड दो ग्राम पर लीटर के हिसाब से आपको छिड़काव करना है इसके कंट्रोल के लिए फिर है पेस्ट मैनेजमेंट इंसेक्ट पेस्ट कौन से लगते हैं इसमें पहला एफिड्स ठीक है लिपा फिश इरिसिमी इसके अलावा माइजस परसी के ही इसकी दो हैं जो ज़्यादातर अटैक करती हैं बेसिकेश कुल पे ऊपर सीरियस पेस्ट ऑफ रेडिश अटैक एज सी एज वेल एज मैच्योरिटी स्टेज सीरियस पेस्ट है आ, इसका मूली का जो इसकी आ, जो अंकुरण की अवस्था रहती है मतलब सीडलिंग अवस्था रहती है जब बीज से अंकुरित हुआ होता है उस समय इसके अलावा जो इसकी परिपक्व अवस्था होती है दोनों के ऊपर ये अटैक करता है द द सक सैप फ्रॉम सॉफ्ट पार्ट ऑफ द प्लांट्स जो पौधे के सॉफ्ट भाग रहते हैं कोमल भाग रहते हैं पत्तियां हैं उनमें से ये रस चूसते हैं ठीक है कंट्रोल है मैलाथियन फिफ्टी ई सी वन एम एल पर लीटर ऑफ वाटर और स्प्रे फॉस्मोमिंडोन डाइमिथोड जीरो पॉइंट जीरो इंटरवल ऑफ टेन डेज इसके अलावा मेलाथियॉन का पचास ई सी वन एम एल प्रति लीटर के हिसाब से गोल बनाकर छिड़काव करें या फिर फास्फोमीडोन या डायमिथोएट का जीरो पॉइंट जीरो फाइव परसेंट का दो से तीन बार दस दिनों के अंतराल पर का आपको छिड़काव करना है ठीक है एफिड वही एफिड है जिसके कारण मोजेक वन वायरस भी फैलता है इसके अंदर फिर है मस्टर्ड साफलाई एथेलिया लुगेंस प्रोक्सिमा ठीक है ये एक ब्लैक लार्वी फीड्स ऑन लीव जो इसका एक ब्लैक कलर की लार्वी स्टेज है वो पत्तियों के ऊपर फीड करती है मतलब पत्तियों को खा जाती है उसके किनारों को तक खा जाती है कंट्रोल है इसका स्प्रे विद मेलाथियोन फिफ्टीन ई सी एट द वन एम एल पर लीटर ऑफ वाटर आपको मेलाथियोन का पचास ई सी का वन लीटर वन एम एल पर लीटर के हिसाब से डालकर स्प्रे का छिड़काव करना है और इसके अलावा स्प्रे फॉस्फोमिडोन और ऑक्सीमिथाइल डेमेटोन जीरो पॉइंट जीरो फाइव परसेंट इसके अलावा आपको फास्फोमिडोन ऑक्सी मिथायल का दोनों में से कोई भी ठीक है जीरो पॉइंट जीरो फाइव परसेंट का आपको छिड़काव करना है कई बार कुछ स्टूडेंट मेरे वीडियो पे कमेंट करते रहते हैं कि आप जो बता रहे हो पेस्टिसाइड ये अभी मार्केट में उपलब्ध नहीं है ये ब्रांड है इंडिया के अंदर पर मैं आपको ये बता दूं कि जो किताबें चल रही हैं अभी भी वो इन्हीं के ऊपर बेस्ड है अभी भले वो नई किताब आ रही है कुछ किताबों की तो बात नहीं कर रहा पर ज्यादातर किताबों के अंदर अभी भी यही चले जा लिखे जाए कि मतलब इन्हीं को ही मेंशन किया जा रहा है जो पहले से आ रहे हैं ठीक है तो अपने उसी हिसाब से पढ़ना है हाँ अभी इसके लिए बहुत से नए पेस्टिसाइड डेवलप हो गए हैं विकसित हो गए हैं जिनका छिड़काव किया जाता है जो मार्केट में है जो नए नए आ रहे हैं ठीक है फिर है फ्लिया बीटल फाइलोट्रेटा स्टीरोलाटा एडल्ट फीड्स ऑन सीलिंग स्टेज एंड कॉजिंग स्मॉल होल्स जो सीलिंग स्टेज रहती है पौधे की उसके ऊपर जो इसकी अव्यस्क होते हैं वो फीड करते हैं और छोटे चोट छोटे छेद कर देते हैं उसमें छोटे छेद बना देते हैं पत्तियों के ऊपर कंट्रोल है स्प्रे विद कोनोल फॉस जीरो पॉइंट जीरो फाइव परसेंट इसके ऊपर आपको कंट्रोल के लिए एक का जीरो जीरो परसेंट का छिड़काव करना है फिर है फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स इंटरनल ब्राउनिंग ब्राउन हर्ट या फिर आकाशिन ठीक है इंटरनल ब्राउनिंग भी कह देते हैं क्योंकि अंदर से ब्राउन होती है इसीलिए ब्राउन हर्ट भी कह देते हैं क्योंकि अंदर से ब्राउन है उसको हर्ट मान लिया जाता है आकाशीन ज्यादातर कॉमन है क्योंकि ये एक टर्म सी है और बहुत ज्यादा क्वेश्चन में पूछा जाता है कि आकाशीन किसका डिसऑर्डर है या आकाशीन क्या है किसकी कमी से होता है ऐसा कई बार पूछा जाता है क्योंकि आकाशीन एक अलग से नाम है ठीक है तो याद रखना ना आकाशीन मतलब ब्राउन हर्ट इंटरनल ब्राउनिंग जो ब्राउन, बोरोन की डेफिशिएंसी के कारण होता है दिस डिसऑर्डर इज कॉज्ड बाय बोरोन डेफिशिएंसी ऑफ बोरॉन बोरोन की डेफिशिएंसी से ब्राउन हर्ट और इंटरनल ब्राउनिंग ठीक है आईबी बी इस डिफाइंड एज इंटरनल ब्राउन रेड कलर इन देंट्रल रीजन ऑफ द रेडिश रूट्स विच ग्रेटली रिड्यूस द कमर्शियल वैल्यू ऑफ द रेडिश ड्यू टू इट्स अपीरेंस अनप्लीजेंट अपीरेंस एंड बिटर टेस्ट एंड इट इज मोर कॉमन इन द समर सीजन क्रॉप जो ब्राउन हर्ट है या फिर इंटरनल ब्राउनिंग है इसको आप इस तरीके से जब परिभाषित कर सकते हो या संदर्भित कर सकते हो कि ये कह लो कि जो सेंट्रल रीजन होता है रेडिश का बीच वाला भाग रहता है फ्लश रहती है अंदर से सेंटर से बिल्कुल कोर वाला भाग वहाँ से रेड कलर की या फिर वो ब्राउन कलर की आ, हो जाती है अंदर से जिससे उसकी जो कमर्शियल वैल्यू है मतलब बेचने वाली मार्केट वैल्यू है वो कम हो जाती है क्योंकि ये दिखने में भी अच्छी नहीं रखती और इसका जो स्वाद होता है वो भी कड़वा होता है मतलब बहुत ज़्यादा तेज हो जाती है चरपराहट्टी हो जाती है एंड इट इज मोर कॉमन इन समर सीजन क्रॉप और जो समर सीजन फसल होती है गर्मी की फसल रहती है उसमें ये ज़्यादा देखने को मिलती है अफेक्टेड रूट्स अपियर एट डीफॉर्म्ड स्मॉल एंड ब्राउन इन कलर जो प्रभावित जड़ें होती हैं उनकी अपीयरेंस अच्छी नहीं होती मतलब वो डीफॉर्म्ड हो जाती हैं उनकी शेप अच्छी नहीं होती स्मॉल हो जाती हैं छोटी रह जाती हैं ब्राउन कलर की हो जाती हैं भूरे रंग की हो जाती हैं जो मतलब देखने में अच्छी नहीं होती कहने का मतलब डीफॉर्म जिसके कारण लोग उसको पसंद नहीं करते

इसके बाद क्या होता है कि पौधे की जब वृद्धि रुक जाती है तो पत्तियाँ जो होती हैं उसकी वो बैरिगेटेड हो जाती हैं चितकवरी हो जाती हैं मतलब रंग बिरंगी हो जाती हैं जिसपे पर्पल या फिर येलोइश रेड कलर के धब्बे बन जाते हैं ठीक है और जो मूली का ऊपर वाला छिलका रहता है मूली जड़ का छिलका रहता है पेरीडर्म वो मोटा हो जाता है और ब्राउन कलर का दिखने में हो जाता है मतलब उसका रंग उसका भी रंग चेंज हो जाता है थोड़ा सा मैनेजमेंट क्या है मतलब इसका प्रबंधन क्या है एड बोरेक्स फिफ्टीन टू ट्वेंटी के जी पर हेक्टर इन द सोयल मतलब बोरोन की कमी से है तो मिट्टी के अंदर आप बोरेक्स डाल दो जा तो पंद्रह से बीस किलो पर हेक्टर बो के समय इसके अलावा कैन बी मैनेज बाई फोलियर एप्लीकेशन ऑफ वन परसेंट बोरेक्स आप फोलियर एप्लीकेशन भी कर सकते हो ठीक है बोरे बोरेक्स का आप छिड़काव कर सकते हो पत्तियों के ऊपर बोरोन की बोरोन की कमी ज्यादातर मूली के अंदर देखने को मिलती है फिर है स्प्लिटिंग और क्रैकिंग स्प्लिटिंग मतलब फटना क्रैकिंग दरारें आ जाना जैसा कि पिक्चर में दिखाई दे रहा है क्रैकिंग इज ए डिस्क्राइबड एज अ रूट लॉन्गिट्यूटनल फ्रैक्चर विच नॉर्मली अकर बिफोर हार्वेस्टिंग और इज ऑब्जर्व ड्यूरिंग पोस्ट हार्वेस्ट ऑपरेशन वन टू टू डेज आफ्टर हार्वेस्टिंग स्टोरेज क्रैकिंग जो है इसको आप इस तरीके से प्रभाषित कर संदर्भित कर सकते हो प्रकाशित कर सकते हो कि एक लंबवत टूट जाना फ्रैक्चर हो जाना ठीक है लंबवत जड़ के अंदर जो जड़ें हैं उनका टूट जाना जो कि हार्वेस्टिंग से पहले मतलब आपकी खुदाई करने से पहले होता है ज़्यादातर पर हाँ कभी कभी ये पोस्ट हार्वेस्ट के अंदर भी देखने को मिलता है मतलब एक से दो दिन तोड़ाई के दो एक से दो दिन बाद खुदाई के एक से दो दिन बाद भी ये देखने को आपको मिल सकता है पोस्ट हार्वेस्ट जब ऑपरेशन कर रहे होते हो आप उसको धो रहे होते हो जो आप उसको सेल कर रहे होते हो तब भी ये देखने को मिल सकता है दिस डिसऑर्डर कैन बी अप टू थर्टी परसेंट और ये डिसऑर्डर कभी कभी तीस परसेंट तक भी हो सकता है कैन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस मार्केटेबल यील्ड जो मार्केटेबल उपज है उसको ये प्रभावित करता है तीस परसेंट तक करने से मतलब काफ़ी उपज प्रभावित होती है आपकी radish यूजली स्प्लिट्स ड्यू टू प्लाज्मोलाइसिस रेडिश जो है मूली है वो प्लाज्मोलाइसिस के कारण स्प्लिट होती है वैसे और भी कारण है मूली के स्प्लिट होने के ठीक है प्लाज्मोलाइसिस में क्या होता है कि जो इसकी कोशिकाएं होती हैं वो टूट जाती हैं ठीक है एक और होता है अभी मेरे ध्यान में नहीं आ रहा ठीक है वो वैसे मैंने मेंशन कर दूंगा जो मैंने अभी आ, अपनी वेबसाइट पे लेक्चर डालूंगा उसमें भी मैं कुछ और लाइनें भी ऐड कर दूंगा जिससे आप इसको और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ पाओगे ठीक है तो इसका जो लिंक होगा उस वेबसाइट की उस पेज का मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा क्रैकिंग इन विंटर रेडिस इज़ ड्यू टू द डिफरेंस इन द एक्सपांशन रेट बिटवीन द पेरीडर्म एंड इंटरनल टिश्यू क्रैकिंग जो सर्दियों के अंदर होती है वो क्या होता है कि जो फैलने की दर होती है ऊपर वाले की और अंदर के जो टिश्यू रहते हैं उनके डिफरेंस के कारण होता है। टिश्यूज एंड कॉज दू जो इंटरनल टिश्यू होते हैं वो बहुत तेजी से ग्रोथ करते हैं पेरिडर्म की तुलना में ऊपर वाला जो छिलका मोली छिल्ड के खाते हैं ना अपने ऊपर वाले शिल्के को पेरिडर्म कहते हैं वो शिल्के की तुलना में अंदर वाले टिश्यू ज्यादा जल्दी तेजी से ग्रोथ करते हैं जिससे जो उनकी सेकेंडरी टिश्यूज होते हैं वो टूट जाते हैं मतलब ऊपर वाला शिल्का फट जाता है ठीक है कॉजेस क्या हैं कारण क्या है इसके देयर आर मेनी रीजंस फॉर रूट स्प्लिटिंग रूट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट बीइंग इनसफिशिएंट इरिगेशन भाई अगर आपने पर्याप्त रूप से सिंचाई नहीं है अपर्याप्त सिंचाई एक मेन कारण है कि मॉइस्चर की कमी है फील्ड के अंदर तो आपकी जड़ें फट सकती हैं इसके अलावा इन सोयल एप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर सेवेंटी टन पर हेक्टर आल्सो लीड्स टू स्प्लिट क्रैक रूट डेवलप्स ड्यू टू हाई नाइट्रोजन कंसनट्रेशन इसके अलावा जो ऑर्गेनिक मैन्योर्स या ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है मतलब सत्तर टन पर हैक्टर तक अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में आप देते हो तो इसके कारण क्या होता है कि नाइट्रोजन की कंसनट्रेशन फील्ड के अंदर खेत के अंदर बढ़ जाती है इसके कारण भी स्प्लिट हो सकती हैं क्योंकि इससे क्या होता है कि वो फेवरेबल कंडीशन देती है और अंदर से वो फ्रूट जल्दी बढ़ता है और अंदर वाला भाग फाड़ देता है बाहर वाली उस पेरीडर्म को फिर है वाइड फ्लक्चुएशन इन टेम्परेचर हाई टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस लीड्स टू हाइपोकोटाइल स्प्लिटिंग ड्यूरिंग द लेटर ग्रोथ पीरियड जो बाद वाली वृद्धि की अवस्था होती है उस समय अगर टेम्परेचर के अंदर उतार चढ़ाव होता है यानी कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा पैंतीस डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है तो भी हाइपोकोटाइल स्प्लिटिंग होती है मतलब मूली फट जाती है द इंसिडेंस ऑफ क्रैकिंग इज मोर इन लॉन्ग रूटेड वराइटीज जो ये घटना है ठीक है जहाँ ये कह लो कि जो लंबी जड़ वाली किस्में होती हैं इसकी मूली की जिनमें जड़ें बड़ी लंबी लंबी बनती हैं उनमें इंसिडेंस जो घटना है वो ज्यादा होती है बोरोन डेफिशियंसी के कारण भी हो सकती है ठीक है स्प्लिटिंग बोरोन डेफिशियंसी के कारण भी हो सकती है इन एडिशन कैल्शियम डेफिशेंसी कैल्शियम डेफिशियंट सोयल्स आल्सो हैज ए रोल इन द प्रोडक्शन ऑफ क्रैक रूट्स इसके अलावा जो कैल्शियम डेफिशिएंट सोयल्स होती हैं जिनमें कैल्शियम की कमी होती है मिट्टी के अंदर वो भी ऐसी क्रैक रूट के उत्पादन में आ, रोल पैदा करती है मतलब हो सकता है कि कैल्शियम डेफिशिएंट जिनमें चूने की कमी है उसमें भी क्रैकिंग की समस्या आती है ठीक है बोरोन भी हो सकता है लॉन्ग रूटेड वैराइटीज भी हो सकती हैं ज़्यादा तापमान भी हो सकता है और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जो रहते हैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर मतलब खादें जो रहती हैं आप जैसे गोबर की खाद दे रहे हो ज़्यादा मात्रा में दी आपने सत्तर टन पर हेक्टर तक दे दी तो वो भी क्रैकिंग को प्रोत्साहित करती है कि वो उससे क्रैकिंग हो ठीक है इसके अलावा नमी तो है ही है कि कम नमी है तो भी क्रैक होती है फिर है मैनेजमेंट क्या है कि प्रॉपर मॉइस्चर कंडीशंस इन द फील्ड प्रॉपर जो जितने मॉइस्चर की आवश्यकता उतना मॉइस्चर बना के रखो अगर ज़्यादा रहता है तो भी समस्या आती है तो एक प्रॉपर होना चाहिए एड बोरेक्स फिफ्टीन टू ट्वेंटी के जी पर हेक्टर इन द सोल कैन बी मैनेज बाई फोलियर एप्लीकेशन ऑफ वन परसेंट बोरेक्स मतलब आप दस पंद्रह से बीस किलो बोरेक्स डाल दो मिट्टी के अंदर उससे भी ये समस्या कम हो जाएगी इसके अलावा फोलियर एप्लीकेशन वन परसेंट बोरेक्स की आप करोगे तो भी ये समस्या सही हो जाएगी ठीक है फिर है पिथीनेस इट स्पंजीनेस चलो मैं एक पहले सिंपल सा बताता हूँ कई बार क्या होता है कि जब आप सीजन जैसे अभी मूली का चल रहा है अभी थोड़े दिनों बाद आप मूली मार्केट में लेने जाओगे खत्म हो रहा होगा सीजन तो आप मार्केट में देखो बड़ी मोटी मोटी मूलियां भी पड़ी हुई होंगी उनको तोड़ के देखना अंदर से मतलब अंदर से उनको काटना तो अंदर से आपको ऐसे स्पंज जैसी कंडीशन व्हाइट व्हाइट सी कंडीशन और अजीब से व्हाइट कलर की मतलब स्पंज जैसी दिखाई देगी जिसको स्पंजीनेस या पिथीनेस कहते हैं एक कारण तो आप समझ ही गए क्यों होती है क्योंकि आपने लेट तोड़ाई की थी उसकी फील्ड में ज्यादा टाइम रह गई ओवर राइपिंग हो गया ओवर राइपनिंग हो गई इसके कारण हुई है ठीक है इट इज मोर इन समर एज कंपेयर टू स्प्रिंग और ऑटमन क्रॉप्स जो बसंत की या फिर जो सर्दी मौसम की फसल रहती है उसकी तुलना में समर जो गर्मी की फसल होती है उसमें ये ज्यादा देखने को मिलती है इट अकर वेन द एक्मलेन एसिमिलेशन ऑफ न्यूटें लैग्स बिहाइंड द सडन इंक्रीज इन रूट वॉल्यूम ड्यू टू सडन ग्रोथ थिकनिंग द डिस प्रोपोर्शनल इन ग्रोथ रिजल्टिंग इन द डेवलपमेंट ऑफ पोर्स इन द रूट्स ये क्या होता है कि कभी कभी जो न्यूटें होते हैं ठीक है जिसको वो अः करना होता है खींचना होता है जड़ को उसकी तुलना में जो जड़ का वॉल्यूम होता है वो तेजी से बढ़ता है मतलब जड़ तेजी से ग्रोथ करती है पर अंदर से क्या होता है कि उसके अंदर जो पोषक तत्व है वो ढंग से सोख नहीं पाती इसके कारण क्या होता है कि ज्यादा डेवलपमेंट के कारण उसमें पोर स्पेस रह जाता है जड़ों के अंदर स्पेस बन जाता है ठीक है दिस कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ रैपिड एक्सपांशन ऑफ रूट सेल्स विद इनसफिशियंट एकुमलेशन मेटीरियल और पेरेंट काइमा सेल्स मतलब अगर रैपिड एक्सपांशन होता है तेजी से फैलती है जो जड़ की कशिकाएँ होती हैं जिससे इनसफिशियंट जो एक्ूमुलेट uh, हो पाती हैं जो अंदर वाली पेरेंटकाइमा सेल्स होती हैं ठीक है पेरेंट कायमा सेल्स होती हैं वो इनसफिशियंटली एक्मुलेट हो पाती हैं मतलब उनको कवर नहीं कर पाती वो उसको रिपेयर नहीं कर पाती है अंदर से का जो पहला step रहता है वो होता है है है, कि जो जो रहती अंदर वाला जो भाग रहता है, जड़ का, ठीक है? जहां से वो पोषण तत्व खींचती है ऊपर की तरफ जड़ और ऊपर वाले भागों को देती है अंदर वाला भाग ठीक है तो वहां जो है, की जो वेसल्स रहती हैं यानी कि नसें रहती हैं वो कट जाती हैं टूट जाती हैं ठीक है जिसके कारण टोर स्पेस बन जाता है अंदर जो पहला स्टेप होता है ठीक है अंदर से वो टूट गई तो वो आ, काम कर नहीं पाती और धीरे धीरे उनके अंदर स्पेस बढ़ता जाता है वो जाइलम बेसल्स जो जो कोशिकाएं होती हैं वो अपना एक दूसरे के क्योंकि वो टूट चुकी हैं टूटने के कारण उनके अंदर का स्पेस बढ़ता जाता है और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ही एक और नया आ, आपका जो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है मूली के अंदर वो पैदा करता है जिसको हॉलोनेस कहते हैं जो आगे अपन में कवर करेंगे इसके आगे ठीक है वो इसके बाद की स्टेज होती है पिथीनेस के बाद की स्टेज होती है दिस इज ड्यू टू डिले डिगिंग ऑफ रूट्स कारण क्या हो सकता है एक तो कि आपने जो डिगिंग है खुदाई है वो देरी से की है उसके कारण हो सकता है इन एडिशन बोल्टिंग बोल्टिंग ओवर मैच्योरिटी एक्सेस ऑफ न्यूटेंस एन पी के कैन लीड्स टू रूट पोर्स इसके अलावा बोल्टिंग या फिर ओवर मैच्योरिटी सेम ही चीज़ है बोल्टिंग होना मतलब उसमें से फुल ओवर स्टाक का निकल आना अब फ्लोवर स्टाक निकलिया है मूली के अंदर मतलब वो मैच्योर हो चुकी है ओवर मैच्योर ही हो चुकी है मैच्योर क्या ओवर मैच्योर होगी अब जड़ उसकी खाने लायक नहीं रह गई है ठीक है क्योंकि वो पक चुकी है जड़ उसके बाद ही उसमें बोल्टिंग स्टार्ट होती है इसके अलावा अगर आप न्यूट्रेंट्स ज़्यादा मात्रा में दे देते हो एन पी के उसके कारण भी पोर स्पेस बढ़ जाता है स्पेस बन जाता है जड़ों के अंदर इसके अलावा ग्रेटर स्पेसिंग अगर ज़्यादा स्पेसिंग रख देते हो पौधे से पौधे की दूरी ज़्यादा कर देते हो ये भी पिथिनेस को प्रमोट करता है ठीक है इसके अलावा मैनेजमेंट क्या है इसका कंट्रोल प्रबंधन क्या है टू अवॉइड पिथीनेस मेंटेन ऑप्टिमम सोइल मॉइस्चर आपको एक तो सोयल के अंदर मॉइस्चर ऑप्टिमम बना के रखना है डिग अप द रूट्स एट द राइट टाइम जो जड़ों की खुदाई एक ऑप्टिमम टाइम पे करनी है अवॉइड एक्सेसिव फर्टिलाइजर एंड अवॉइड रूट इंजरी ड्यूरिंग इंटरकल्चरल ऑपरेशन एंड हारवेस्टिंग इसके अलावा जो अवॉइड एक्सेसिव फर्टिलाइजर ज़्यादा मात्रा में फर्टिलाइजर जितनी रिकमेंडेड हो जाए उससे भी ज़्यादा देते हैं उनको अवॉइड करना है और जो 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 इंटरकल्चरल ऑपरेशन जैसे गुडाई कर रहे हो या फिर खुदाई कर रहे हो आप उस टाइम जो इंजरी होती है जड़ों की उससे आपको बचना है बोथ लो टेम्परेचर एंड हाई सोयल ई सी सॉल्टे कंसनट्रेशन मतलब यानी कि इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी रिड्यूस ग्रोथ रेट्स लो टेम्परेचर अगर तापमान कम रहता है और ई सी ज्यादा रहती है मिट्टी की तो इससे जड़ों की ग्रोथ कम होती है जो कि डेवलपमेंट जो है स्प, आ, स्पंजी टिश्यू का उसको ये रिस्ट्रिक्ट कर देती है उसको होने नहीं देती मतलब यह अच्छी चीज है अगर तापमान कम रहता है तो भी स्पंजीनेस कम होता है या पिथीनेस कम होगा सोइल की इसी ज्यादा है तो भी ये समस्या कम आती है नेक्स्ट है होलोनेस जिसकी मैंने अभी आगे बात कर रहा था कि पिथीनेस के बाद की स्टेज होती है हॉलोनेस जिसमें कोशिकाओं के अंदर का जो स्पेस अंदर का वेसल्स रहते हैं वो ज्यादा टूट के ज्यादा दूर हो जाती है और अंदर एक कैबिटी बना लेती है एक, एक स्पेस बना लेती है स्पेस बना लेती है ठीक है So, hollowness is defined as the longitudinal hollow cavity in the center of the roots like hollow cavity थो खोखली एक गुहा के रूप में अंदर सेंटर के अंदर जड़ के बन जाती है कॉमनली सीन इन समर ग्रोन रेडिश क्रॉप जो कि समर सीजन की जो फसल रहती है मूली की उसमें देखने को मिलती है ज़्यादातर उसी में देखने को मिलती है होलोइंग अकस व इंटर सेलुलर स्पेस इन द सेंटर स्टेल्स जिसको बोल देते हैं ऑफ द रूट्स नियर टू द पिथ बिकम फ्यूज ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द ग्रोथ पीरियड जो पहला हाफ पीरियड होता है ग्रोथ का मतलब बहुत तेजी से ग्रोथ करती है और वो फ्यूज हो जाता है मतलब जुड़ जाते हैं जितने भी उसके अंदर पिथिनेस के स्पेस रहते हैं

अगर मूली तेज़ी से ग्रोथ कर रही है उसको इन्वायरमेंट कंडीशन अच्छी मिल रही है यानी कि आपने अर्ली समर सोइंग कर दी है गर्मी के फसल की पहले ही ठंड के अंदर ही बुआई कर दी तो उसको ठंडा मौसम मिल गया प्रारंभ के अंदर ही तो उसको मान लो कि अच्छा मौसम मिल गया क्योंकि ठंड के अंदर ज़्यादा प्रेफर करती है मूली गर्मी की तुलना में वैसे गर्मी में उगाई जा सकती है पर ठंड को ज़्यादा प्रेफर करती है उसके लिए अच्छी क्लाइमेटिक कंडीशन बन जाती है तो ग्रोथ ज़्यादा करती है इसके अलावा आपने फर्टिलाइजर ज़्यादा मात्रा में दे दी है हाई फर्टिलाइजर एप्लीकेशन भी इसको प्रमोट करती है इसके अलावा लो प्लांट डेंसिटी मतलब पौधे से पौधे की दूरी आपने ज्यादा रखी है पौधे एक हेक्टर के अंदर कम लगाए हैं आपने ठीक है जहाँ एक क्षेत्र के एक निश्चित क्षेत्र के अंदर आपने पौधे की संख्या कम रखी है तो उससे क्या होता है कि पौधे को फैलने के लिए स्पेस मिल जाता है रिसोर्सेज को वो अच्छा कंज्यूम कर पाता है जिससे जड़ का जो तेजी से ग्रोथ करती है ठीक है जो कि होलोनेस को इंड्यूस uh, करती है को और जबकि फास्टर फास्टर रूट रूट ग्रो, ग्रो मोर लाइकली दे आर टू बिकम होलो जितनी जल्दी से तेजी से रूट ग्रोथ करती है उसमें उतने ज्यादा चांसेस रहते हैं कि वो होलो हो थोथी बने अंदर से ठीक है हाउ एवर

जैसे मान लो कि प्लांट से प्लांट की दूरी है जो कम रखी है आपने बहुत ज़्यादा प्लांट डेंसिटी रखी मतलब एक हेक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा पौधे रखे हैं दूरी कम है आपने बुआई जो थोड़ी सी गर्मी के अंदर कर दी अर्ली नहीं की लेट किया है या फिर अर्ली डिफोलिएशन हो गया मतलब उसकी पत्तियाँ आपने पहले ही काट दी अब डिफोलिएशन का अनफूड नहीं बनेगा तो ज़्यादा ग्रोथ करेगी नहीं इसके अलावा लो फर्टिलाइजर रेट्स आपने फर्टिलाइजर कम मात्रा में दिए है अनफर फेवरेल क्लाइमेटिक कंडीशन हैं जो कि जड़ को अच्छी तरीके से विकसित नहीं होने देती यही कंडीशन है जिसके कारण जड़ें एक तो या तो इनमें होलोनिइ होगी नहीं इनके अंदर या फिर बहुत ही कम आपको देखने को मिलेगी होलोनेस है जो बहुत ही कम देखने को मिलेगी फिर है फॉर्किंग लास्ट जो डिसऑर्डर है फोर्किंग बहुत ही एक कह लो कि रेडिश के अंदर और कैरेट दोनों के अंदर देखने को मिलता है और पूछा भी जाता है एग्जाम के अंदर फोर्किंग क्या है आप किसी के अंदर भी लिख सकते हो इसको फोर्किंग कैरेट के अंदर भी दे सकते हो रेडिश के अंदर भी दे सकते हो कारण भी सेम ही होते हैं और डेफिनेशन भी सेम ही लिखोगे आप क्योंकि सेकेंडरी एलोगेटेड ग्रोथ दैट गिव्स द रूट ए फॉर्क स्ट्रक्चर मतलब जो सेकेंडरी एलोंगेटेड ग्रोथ होती है मतलब उसकी जो पतली पतली जड़ें होती हैं ना वो मोटी हो जाती हैं जबकि वो लंबाई में ना बढ़ के साइड में गुच्छे एक मुसला जड़ की तरह मुसला नहीं सॉरी मुसला तो उसको कहते हैं जो सीधी बढ़ती है उसको दूसरी जड़ को क्या कहते हैं चलो छोड़ो उसको कमेंट में आप बता देना उस जड़ों का विकास जो सेकेंडरी उसकी जड़ें रहती हैं मूछें सी रहती हैं ठीक है उनकी ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाती है और एक लंबी ना होके एक झाड़ी जैसी सी बन जाती है नीचे से ठीक है जा कांटे की तरह हो जाती है कांटेदार कह सकते हो फोर्क का मतलब कांटेदार स्ट्रक्चर बना लेती है दिस डिसऑर्डर इज कॉज बाय एक्सेस मॉइस्चर ड्यूरिंग रूट डेवलपमेंट ये डिसऑर्डर किसके कारण होता है कि अगर नमी की मात्रा जा नमी ज्यादा हो मिट्टी के, के अंदर ठीक है डेवलपमेंट के दौरान रूट के डेवलपमेंट के दौरान विकास के दौरान उससे होता है ज़्यादा मॉइस्चर के कारण अब दूध जितने भी अपने पड़े वो लो में मॉइस्चर के कारण इसलिए ऑप्टिमम मॉइस्चर होना चाहिए इट आल्सो अकर्स इन हैवी सोयल्स ड्यू टू सोयल कम्पैक्शन एंड कैन आल्सो बी काज बाय नॉन डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैन्योर ये भारी मिट्टी के अंदर भी हो सकती है मतलब हैवी जो कॉम्पैक्ट मिट्टी है वो इसको जड़ों को बढ़ने नहीं देती ठीक है जिसके कारण जड़ें इधर उधर दूसरी जो सेकेंडरी ग्रोथ करना स्टार्ट कर देती है वो सीधी नहीं बढ़ पाती इसके अलावा जो कई बार क्या होता है कि जो ऑर्गेनिक मैन्योर आपने डाला जैसे गोबर की खाद डाली वो कच्ची गोबर की खाद डाल दी है अच्छे से डिकम्पोज नहीं हुई अच्छे से उनका अवघटन नहीं हुआ तो उसके कारण भी ये डिसऑर्डर देखने को मिलता है इसके अलावा यूज्ड ओल्ड सीड्स विद लो बाइबलिटी और इन्फेस्टेड विद नेो लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ फॉर्किंग डिसऑर्डर इसके अलावा जो पुराने बीज कई बार यूज कर लेते हैं जिसकी बाइबिलिटी कम होती है उसमें भी फोर्किंग की समस्या देखने को मिल सकती है इसके अलावा किसी फील्ड के अंदर अगर नेमेटोड की समस्या है उसके कारण भी आपको फोर्किंग की समस्या देखने को मिल सकती है इन एडिशन क्लोजर स्पेसिंग पैंतालीस इंटू टेन सेंटीमीटर सॉरी फोर्टी फाइव इंटू टेन सेंटीमीटर आल्सो लीड्स टू हायर परसेंटेज ऑफ फॉर्किंग ड्यू टू इंक्रीज कम्पिटिशन कम्पिटिशन

डम्पोज ऑर्गेनिक मैनर्स का होना नॉन डीकम्पोज मतलब अच्छे तरीके से विघटित गोबर की खाद नहीं है कच्ची सड़ी हुई गोबर सॉरी कच्ची गोबर की खाद डाल दी है उसके कारण भी हो सकता है पुराने बीज यूज करते हैं जिसकी वायबलिटी कम है तो उसके कारण भी हो सकता है नेमेटोड के कारण भी हो सकता है आपने स्पेसिंग जो दूरी रखी है पौधे से पौधे की वो कम रखी है उसमें कंपटीशन ज़्यादा है इसके कारण भी ये समस्या देख हो सकती है फिर है मैनेजमेंट क्या है प्रबंधन क्या है इसका इसका है अवॉइड एक्सेसिव मॉइस्चर एंड हैवी फॉर रूट प्रोडक्शन पहला तो जो एक्सेसिव मॉइस्चर होता है मिट्टी के अंदर उसको आपको अवॉइड करना है जो भारी मिट्टी है उसको भी आपको अवॉइड करना है भारी मिट्टी के अंदर आपको रेडिश की कल्टीवेशन नहीं करनी वेल रोटेड यूज वेल रोटेड मैन्योर्स जो वेल रोटेड मैन्योर है यानी कि अच्छी अपघटित गोबर की खाद है उसको यूज़ करना है इसके अलावा राउंड एंड शॉर्ट रूट वैराइटीज़ विद रैपिड रूट ग्रोथ शुड बी प्लांटेड इन शैलो अरेबल और लाइट सॉयल जो हल्की मिट्टी है और उथली मिट्टी है अच्छी हवादार uh, उथली मिट्टी है उसके अंदर आपको जो गोल किस्में हैं मूली की या फिर छोटी किस्में हैं ठीक है छोटी मूली ज़्यादा लंबी नहीं बढ़ती जिनकी जड़ें और जो तेज़ी से ग्रोथ करती हैं उन किस्मों को प्लांट करना है ठीक है शैलो मिट्टी के अंदर अगर आप वाई लॉन्ग और लार्ज रूटेड वराइटीज पुअर रूट इन लोकेशन शुड बी प्लांटेड इन डीप सॉइल्स जबकि जो लंबी जड़ वाली होती हैं बड़ी बड़ी जड़ों वाली होती हैं जिनका जो ग्रोथ जो होता है लोंगेशन होता है वो uh, कह लो कि बे बेकार होता है कहने का मतलब ठीक है कि भाई वो कब कैसे भी वो ग्रोथ कर सकती है बहुत लंबी ग्रोथ कर सकती हैं उनको आपको गहरी मिट्टी के अंदर प्लांट करना है गहरी मिट्टी के अंदर उनको बुआई करनी है थैंक यू